सरसों खरीद के बाद भुगतान में हो रही देरी से गुस्साए किसानों ने आज एक बार फिर सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले कल गौव चौपटा खंड के दर्जनों गौवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने नाथूसरी चौपटा में तहसील कार्यालय में प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया था। किसानों को तहसीलदार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद आज किसान सिरसा उपायुक्त से मिलने पहुंचे थे। वही किसानों ने सरसों की खरीद दुबा रात शुरू करने की मांग भी की। न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। सरकार मुर्दाबाद, 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 कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा मुद्दा जी मौके का आज सरसों की फसल का है। जो सरसों हमने बेची थी आज से एक महीने पहले सरकार को, और सरकार ने उसका एक रुपया भी नहीं दिया है। आज किसान को पैसे की जरूरत है, बीज के लिए, खाद के लिए, ट्रैक्टर वालों को बाई के देने हैं, और जो कणक होती है वो कणक किसान अपने घर पे रख लेता है खाने के लिए, और नए मुजारे रखने होते हैं, और अपने जो भी किसान आज के दिन जो अपने दिनचर्या चलाता है वो किसान अपने, जैसे अब आज बैंक की भी अगर पैसे देने होते हैं, लेने होते हैं, वो भी इसी महीने में होते हैं, और सरसों का पैसा सरकार ने एक महीने से रोक रखा है। और जो सरकार ने कहा था अभी हम सरसों का एक एक दाना खरीदेंगे, वो सरसों का दाना भी सरकार नहीं ले पा रही है। सरसों जो हमने दे रखी है उसके पैसे नहीं दे रही है हमारे को, और जो हमने आगे बेचनी थी 25 कुंटल के बाद दोबारा से ली नहीं। कल हमने चोपटा के अंदर धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ पे कम से कम 25-30 गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। उन लोगों ने तहसीलदार से पूछा भी हमारे आप इनका क्या करोगे जो सरसों के पैसे नहीं आ रहे। तहसीलदार ने स्पष्ट हमारे को जवाब दे दिया लिखित में कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन ने हाथ खड़े कर रखे हैं, तो आज हम DC साहब से मिलने आए हैं भी हमारे उन 52-53 गाँव का कोई रखवाड़ा है कि नहीं है। आगे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, किसान सड़कों पे तो वैसे ही है, आज के दिन भूखा प्यासा किसान सड़कों पे है, और अगर किसान जैसे कल हम चोपटा में इकट्ठे हुए, हर आदमी का किराया भी लगता है, आज फिर हम सिरसा पहुंचे हैं, रोज़ रोज़ धरनों से तो अच्छा है हम जहां बैठे हैं जिस गांव में बैठे हैं उसी गांव को जाम कर देंगे, सड़कें जाम कर देंगे, सरकार को हमारे पैसे तो देने पड़ेंगे। हम हमारे कोई पैसे किसी से उधार नहीं मांग रहे, हमारा दाना दिया हुआ है सरसों वो मांग रहे हैं। सरकार ने 3 दिन का टाइम दिया था, 13 तारीख को हम दोबारा से सरसों खरीदेंगे, लोगों के 3 दिन तक टोकन काट लिए। कल सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई, पंचायत सेक्रेटरी जो यहाँ पे मार्केट कमेटी के हैं, गोयल जी हैं शायद, उन्होंने कहा कि हमारे को तो पता नहीं था पोर्टल के ऊपर क्या लिखा होता है, 3 दिन हमने तो बगैर पूछे ही वो टोकन काट दिए। उन 3 दिन की सरसों किसानों ने बेच दी, वहाँ पे सरकार को तुलवा दी। आज वो बाणिया जो उनके पास पड़ी है वो कह रहे हैं अपनी सरसों वापस उठा लो, हम पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार उसको ऑनलाइन नहीं किया। सरकार ने एक एक दाना खरीदने की बात की थी, और मैं ये सोच रहा हूँ भी एक भी दाने का अभी तक पैसा भी नहीं दिया है। तो आज किसान पूरे दुखी होके, और ये आंदोलन मैं समझ रहा हूँ हरियाणा लेवल पे नहीं, कल मैं देख रहा था TV महाराष्ट्र में भी इसका जिक्र है, पूरे भारत में ही इन्होंने सरसों ली है सिर्फ वोट पाने के लिए, और अभी तक इसका कोई संतुष्टि से पैसे देने का काम ये सरकार कर नहीं रही है।